Very good morning, students. Today we will be discussing about application of total internal reflection. Right? In the last class, we have already studied about what is total internal reflection and what are the conditions for them, and we have done various types of problems according to that. Right? So, total internal reflection के बारे में एक recap आपको बता देता हूँ कि there are two condition to टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. पहला कंडीशन है कि जो आपका लाइट रेज वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम को जाना चाहिए, एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. राइट? अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड इट विल बी मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, देन वी विल फाइंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देयर. सो सम एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन today we will be discussing. So first application is mirage. Right? ये term काफ़ी familiar होगा आप सब में. ठीक है, कभी ना कभी आप सुने होंगे mirage. And this phenomenon generally occur in case of hot summer, or we can say generally in desert we find this type of phenomenon. Right? तो होता क्या है actually in this type of phenomenon, ये जो आपका डेजर्ट है वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा रहता है. ठीक है, तो ये है आपका डेजर्ट का ग्राउंड, ये दिस इज ए ट्री. ठीक है, यहाँ पर पेड़ ऐसे खड़ा हुआ है. ठीक है, एंड हियर इज ए पर्सन ऑब्जर्विंग द ट्री. राइट? तो डेजर्ट में होता क्या है, जो ग्राउंड लेवल के पास जो एयर होते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सारे जगह एयर होते हैं, तो ग्राउंड के पास जो एयर होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा गर्म होते हैं. ठीक है, ठीक है, और धीरे धीरे जैसे ही आप ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो जो एयर का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है, क्योंकि सनलाइट जो रेत के ऊपर पड़ता रहता है वो इमिडिएटली गर्म कर लेता है नीचे वाला एरिया में जो आपका एयर है. ठीक है, और ऊपर जैसे आप जाते हो तो एयर का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता रहता है. ठीक है, अगर हम मान लें कि देर आर सेवरल लेयर्स, ठीक है, बहुत सारे लेयर्स का एयर होते हैं. ठीक है, लेकिन हम इतने सारे तो दिखा नहीं सकते. जैसे कि मान लो कि तीन लेयर का एयर हमने दिखाया है, यहाँ पर ये हो गया सबसे ज़्यादा गर्म. ठीक है, ये आपका लेस वार्म है. ठीक है, ये सबसे ज़्यादा गर्म है, ये थोड़ा कम वार्म है, और ये जो है कूल एयर है, और यहाँ पर जो एयर है वो ज़्यादा कूल है. ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका एयर का डेंसिटी भी धीरे धीरे क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है. ठीक है, हम जानते हैं कि द वार्म एयर हज लोअर डेंसिटी एंड कूलर एयर हज हायर डेंसिटी. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रेयरर मीडियम हो जाएगा. ठीक है, ये भी रेयर मीडियम हो जाएगा, ये आपका डेंस हो जाएगा, और ये जो ऊपर वाला है वो सबसे ज़्यादा डेंस हो जाएगा. ठीक है, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट लेयर ऑफ एयर का धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है. ठीक है, ये अगर आपका म्यू वन है, ये म्यू टू, म्यू थ्री, ये है आपका म्यू फोर, तो हम लिख सकते हैं कि म्यू फोर इज ग्रेटर देन म्यू थ्री इज ग्रेटर देन म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन. ठीक है, अलग अलग लेयर का जो एयर है दे हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस. राइट? तो पहले वाला जो है वो ज़्यादा डेंसर है, और ये जो जो म्यू थ्री है ये थोड़ा कम डेंस है, थोड़ा तो रेयरर होते जा रहा है नीचे नीचे जैसे आएंगे, और ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वो ज़्यादा डेंसर होते हुए जाएगा. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होता क्या है कि ये जो आपका लाइट रेज है, ठीक है, ये पहले लेयर में ऐसे पड़ेगा. ठीक है, तो हमें मालूम है कि व्हेन लाइट रेज मूविंग फ्रॉम डेंसर, ये डेंसर है, ये रेयरर है. ठीक है, डेंसर से रेयरर आएगा तो लाइट रेज विल बी मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है कि नहीं? तो देखो ये अब सेकंड लेयर पर आकर रुक गया, तो ये डेंसर है, ये रेयरर है, तो अब और भी बेंड होगा. ठीक है,
अब देखो यहाँ पर जब आ जाता है तो ये क्या करता है, इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज बिकम्स ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन और नहीं होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा एंड द लाइट रेज विल बी मूविंग टुवर्ड्स द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। लेकिन हम जैसे ही जानते हैं कि ह्यूमन आई ऑलवेज परसीव्स दैट लाइट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन ऑलवेज, ठीक है। हमारा जो आँख होता है वो हमेशा परसीव करता है कि लाइट रे मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये अगर स्ट्रेट लाइन को हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो आपका जो इमेज होगा, ये जो ऑब्जेक्ट होगा उसका एक इमेज नीचे की तरफ फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जैसे कि आपको लगेगा कि ये जो ट्री है उसका एक नीचे भी और एक ट्री है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज मिरेज, ठीक है। आपका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ पर क्रिएट हो रहा है, उसके ठीक नीचे ही क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसे दिखेगा कि यहाँ पर पानी है और उसके भीतर इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज मिरेज। आपका जो मिरेज को और ज़्यादा ज़्यादा अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं आपको एक GIF दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक इमेज पहले देखो, फिर उसके बाद GIF आएगा। तो हम डिस्क्राइब कर रहा हूँ, देखो कि ऑन हॉट समर डेज द एयर नियर द ग्राउंड बिकम्स हॉटर देन द एयर एट हायर लेवल्स, राइट। सो ऑप्टिकल डेंसिटी एट डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर इंक्रीजेस विथ हाइट। एज ए रिजल्ट रे ऑफ लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स लाइक ट्री बेंड अवे सक्सेसिवली फ्रॉम नॉर्मल एंड अंडरगोस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप यहाँ पर देख सकते हो इमेज में कि कैसे लाइट रेज बेंड होके आँख के ऑब्जर्वर के आँख के पास आ रहा है, फिर आपका एक इमेज क्रिएट हो रहा है जस्ट बिलो द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो टू अ डिस्टेंस ऑब्जर्वर द लाइट अपियर्स टू बी कमिंग फ्रॉम समवेयर बिलो द ग्राउंड एंड इन्वर्टेड इमेजेस ऑफ डिस्टेंस टॉल ऑब्जेक्ट्स कॉज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, ठीक है। वहां पर जो इमेज क्रिएट होता है दैट इज इन्वर्टेड इन नेचर, ठीक है। तो जब आप दूर से खड़े रहकर देखते हो तो आपका एक ऑब्जेक्ट का इमेज बना हुआ दिखता है बिलो द ग्राउंड, ठीक है। और उसका नेचर कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है एंड दैट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। एक्चुअली हम वहां पर इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है, हमें दिखाई ऐसे पड़ता है कि जैसे कि इमेज फॉर्मेशन हो रहा हो, दैट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। टू द ऑब्जर्वर दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज मिरेज। ये तो आपको पता है कि दिस टाइप ऑफ मिरेज इज स्पेशली कॉमन इन हॉट डेजर्ट्स, राइट। एंड ऑल्सो दिस इज ऑल्सो नोटिस बाई अस इन ए हॉट समर डे वाइल मूविंग इन ए बस और ए कार स्पेशली ऑन ए हाईवे, ठीक है। अपीयर्स टू बी वेट, आप जब हाईवे में जाते हो तो आपको दिखाई पड़ता है ऐसे जैसे कि रोड में पानी गिरा हुआ है और उसका रिफ्लेक्शंस आ रहा है। बट वी डोंट फाइंड एनी एविडेंस ऑफ वेटनेस व्हेन वी रीच द स्पॉट, ठीक है। जैसे जैसे हम उसके तरफ बढ़ते जाते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ता है कि एक्चुअली वहां पर कोई पानी नहीं है, ना ही कोई इमेज यहाँ पर बन रहा है। सो दैट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, वी कॉल दैट ऑप्टिकल इल्यूजन एज मिरेज। क्लियर। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द सेकेंड एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड प्रिज्म, ठीक है। हाउ वी यूज प्रिज्म और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन प्रिज्म। सो आई एम गिविंग यू एन इमेज ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी दैट प्रिज्म्स, देर आर थ्री प्रिज्म्स आर देयर, ए बी एंड सी, आई हैव मार्क देम। सो प्रिज्म्स आर डिजाइंड टू बेंड लाइट बाई 90 डिग्री और 180 डिग्री इन बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ TIR, ठीक है। TIR मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सच प्रिज्म्स आर यूज्ड टू इन्वर्ट इमेजेस विदाउट चेंजिंग देयर साइड, ठीक है। आप देख सकते हो प्रिज्म का कोई साइज चेंज नहीं हो रहा है, उसका साइड भी चेंज नहीं हो रहा है। आप उसका जो हम उसको सिर्फ रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको वेरियस ऑफ फेसेस को हम रोटेट करके एक्सपोज कर रहे हैं लाइट के आगे, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हमको वेरियस ऑफ
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इन द फर्स्ट प्रिज्म आप देख सकते हो द इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे आर मेकिंग 90 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है। उनके बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है। एंड इन केस ऑफ बी यू कैन सी द प्रिज्म इज प्लेस्ड बिफोर द लाइट रेज एज सच दैट द इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे मेकिंग एंगल ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। आप देख सकते हो इंसिडेंट रे आर कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट एंड द एमरजेंट रे आर गोइंग फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट। सो इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। इन द केस ऑफ सी ऑल्सो यू कैन सी वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड चेंज द पाथ ऑफ द लाइट एज वी वांट, ठीक है। तो प्रिज्म के केस में भी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसका हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी किए हैं पिछले वीडियो में, तो आप उसको जाकर थोड़ा देख भी सकते हो, ठीक है। एंड नाउ द थर्ड एप्लीकेशन दैट इज डायमंड, राइट। डायमंड आर नोन फॉर देयर स्पेक्टाकुलर ब्रिलियंस, ठीक है। उनका जो ब्रिलियंस, देयर ब्रिलियंस इज मेनली ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनसाइड देम, ठीक है। आप जैसे कि इमेज में देख सकते हो, जो आपका GIF मैंने दिया हुआ है वहाँ पर आप देख सकते हो कि एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द लाइट रेज चेंजिंग देन द पैटर्न ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस ऑल्सो चेंजिंग इनसाइड द डायमंड, ठीक है। नेचुरली जो डायमंड आपका मिलता है वो उतना ज़्यादा स्पार्कलिंग नहीं होता है, ठीक है। उसमें जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि उसका जो एंगल ऑफ कटिंग है, ठीक है, डायमंड का जो कटिंग होता है उसमें, वो नेचुरली अकरिंग डायमंड में उतना शार्प कटिंग नहीं होता है, ठीक है। उसका जो ब्रिलियंस होता है उसके जो नॉर्मल कटिंग से आपको नहीं मिलेगा। तो क्या करते हैं वो जो प्रोफेशनल होते हैं वो डायमंड को वेरी सुइटेबली कट करते हैं सो दैट वी कैन गेट मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस विच कैन बी मेट टू अकर, ठीक है। तो होता क्या है, जो द क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड एयर इंटरफेस इज वेरी स्मॉल, वो ऐसे उसे कट करते हैं कि उसका जो क्रिटिकल एंगल आ जाता है डायमंड का दैट इज वेरी स्मॉल, 24.4 डिग्री अप्रोक्सीमेटली वी कैन से। तो अगर 24.4 और हमें पता है कि क्रिटिकल एंगल जितना कम होगा द चांसेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस विल बी हायर, ठीक है। तो जैसे कि डायमंड का सबसे क्रिटिकल एंगल कम है तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। सो देयरफॉर वंस लाइट एंटर्स इनटू डायमंड इट अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस इनसाइड इट, एज ए रिजल्ट इट स्पार्कल ब्रिलियंटली, राइट। बाय कटिंग द डायमंड सुइटेबली मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस कैन बी मेड टू अकर, ठीक है। सो नाउ क्लियर, अब समझ में आ गया कि डायमंड का जो ब्रिलियंस है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट से कैसे मैच करता है, ठीक है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द ऑप्टिकल फाइबर्स, राइट। ऑप्टिकल फाइबर्स, राइट। जो ऑप्टिकल फाइबर इज अ ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। ये जो ऑप्टिकल फाइबर है दिस इज ए ट्रांसमिशन मीडियम टू कैरी द ऑप्टिकल सिग्नल विदाउट एनी अप्रिसिएबल लॉस, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो काम क्या करता है, दिस एक्ट्स एज ए ट्रांसमिशन मीडियम टू कैरी द ऑप्टिकल सिग्नल विदाउट एनी अप्रिसिएबल लॉस। यहाँ पर जो ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, अप्रिसिएबल जो ऑप्टिकल सिग्नल है उसका एनर्जी लॉस सबसे कम होता है, ठीक है। अभी आगे पता चलेगा कि एनर्जी लॉस क्यों कम होता है, ठीक है। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, जो ऑप्टिकल फाइबर का जो स्ट्रक्चर है उसमें होता क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर
consists of a core which is surrounded by cladding. Right. So let me draw a schematic diagram of optical fiber for you. So this is the structure of an optical fiber, right? This is called the protective layer. It helps to protect this setup from any mechanical injury. ठीक है, यहाँ पे कोई भी injury आ सकता है. ठीक है, scratches वगैरह हो सकते हैं या टूट सकता है ये core and cladding जो कि आपका main component है, तो उसको ये protection देता है, ये protective layer from any mechanical injury. This is called cladding and this is called core. And here you have to remember that the cladding is a rarer medium and core is a denser medium. If we take that mu 1 is the refractive index of cladding and mu 2 is the refractive index of core, then we can say mu 2 is greater than mu 1. That means core is more denser than the cladding, right? और हमें मालूम है कि total internal reflection का दो cases हैं. Light rays should be moving from denser to the rarer medium, right? And the incident angle should be greater than the critical angle. तो यहाँ पर आपको मिल गया denser medium, क्योंकि light जो travel करता है ये denser medium में ही travel करता है, and it tend to move towards the rarer medium. ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, तो इसे पहले और उसका एक्सटेंडेड इमेज हम बनाते हैं पहले डायग्राम. ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर को हटा लिए, सिर्फ यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, कोर एंड क्लैडिंग को. ठीक है, तो दिस इज क्लैडिंग. ठीक है, विच इज रेयरर इन नेचर. ये हो गया आपका कोर विच इज डेंसर इन नेचर. ठीक है, तो लाइट रे को हम क्या करते हैं, पास करते हैं थ्रू द कोर. ठीक है, देखो ये डेंसर से रेयरर को जाने वाला है, लेकिन हमारा क्या है यहाँ पर, ये नॉर्मल है, लेकिन ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. तो होता होगा क्या, ये तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा. ठीक है, क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो ऐसे करके आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते जाता है, और जो लाइट रे है वो एक एंड से इन होकर दूसरे एंड से आपका बाहर हो जाता है. ठीक है, ये तो स्ट्रेट है. ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का और एक इम्पोर्टेंस ये है कि अगर ये ट्विस्ट होता है या फिर ऐसे कर्व्ड होता है तो भी लाइट रे आराम से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. ये है आपका ऑप्टिकल फाइबर. ठीक है, ये आपका कोर एंड क्लैडिंग. ये कोर है, ये क्लैडिंग है. तो अगर आप ऐसे एंटर करवाओ इस लाइट को, लाइट रे को, तो भी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होते रहते हैं, और द लाइट रेज गोइंग इनसाइड आर आल्सो कमिंग बाय दिस ओपनिंग. ठीक है, तो आप अगर उसे सीधा रखो या ट्विस्ट करो या उसको कर्व करो तो भी आपका कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ता है. ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है एंड लाइट रेज आर ट्रांसमिटेड बाय विदाउट एनी अप्रिसिएबल लॉस. ठीक है, मतलब एनर्जी लॉस जो होता है वो बहुत ही कम होता है. सो कोर इज ए डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कि हमने बताया म्यू टू, एंड क्लैडिंग इज ए रेयरर मीडियम which has the refractive index mu 1, right? So when light incident at one end of the core
गेट्स रिपीटेडली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस अलोंग द लेंथ ऑफ द फाइबर एंड फाइनली कम्स आउट ऑफ द अदर एंड राइट. ऑप्टिकल फाइबर्स आर फैब्रिकेटेड एज सच दैट द लाइट रिफ्लेक्टेड एट वन साइड ऑफ इनर सरफेस स्ट्राइक द अदर एट एन एंगल ऑफ लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल. यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिटिकल एंगल से लार्जर है, यहाँ पर भी क्रिटिकल एंगल से लार्जर है, यहाँ पर भी जो इंसिडेंट एंगल है दैट इज ऑल्सो क्रिटिकल एंगल से लार्जर है. ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल से जहां पर भी लाइट यहाँ पर पड़ेगा तो क्रिटिकल एंगल से लार्जर होगा, दैट्स वाई टोटल इंटरनल रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर राइट. सो इवन इफ द फाइबर इज बेंट और लाइट कैन सो दैट लाइट कैन इजिली ट्रेवल अलॉन्ग इट्स लेंथ. सो ऑप्टिकल फाइबर कैन बी यूज टू एक्ट एज एन ऑप्टिकल पाइप ऑल्सो. इसे हम एक पाइप के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, जैसे पानी पाइप के थ्रू पास करते कर कर जाता है. ठीक है, उसी के हिसाब से ये पाइप जैसे भी हम ऑप्टिकल फाइबर को यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पर एक GIF में डाल रहा हूँ, तो देखो कि कैसे लाइट रेज पास करते रहते हैं ऑप्टिकल फाइबर के भीतर. दैट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो नाउ वी विल सी अबाउट द यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर राइट. सो द फर्स्ट यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स व्हिच आर कन्वर्टेड टू लाइट बाई सुइटेबल ट्रांसड्यूसर. ठीक है, यहाँ पर होता क्या है, हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू दिस ऑप्टिकल फाइबर. ठीक है, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी दे सकते हो इसे. ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं यहाँ पर एक ट्रांसड्यूसर लगा हुआ होता है. ठीक है, ये जो ट्रांसड्यूसर है इसका काम क्या है, इट विल चेंज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू लाइट राइट. यहाँ पर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट कर देगा. तो लाइट एनर्जी ऐसे करके ट्रैवल किए तो यहाँ पर दूसरे एंड में भी और एक ट्रांसड्यूसर लगा हुआ होगा. ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ से लाइट रेज जो आ रहे हैं उसको कैप्चर करके फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेगा. ठीक है, तो आप यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो आपको यहाँ पर उसका इंफॉर्मेशन आराम से मिल जाएगा. ठीक है, विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी. ठीक है, और अगर भी एनर्जी लॉस भी हुआ तो भी वो बहुत माइनर बहुत नेग्लिजिबल एनर्जी लॉस होता है. ठीक है, एंड बहुत जल्दी आपका इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर जाता है. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगते हैं. ठीक है, एंड वी कैन से दैट सेकेंड यूज ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज इट इज यूज एज लाइट पाइप टू फैसिलिटेट विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. ठीक है, आप एंडोस्कोपी देखे हुए होंगे, कभी ना कभी किसी जगह आप एंडोस्कोपी को देखे हुए होंगे, वहां पर एक लाइट पाइप को आपके माउथ के थ्रू घुसाया जाता है. तो फिर वहाँ क्या होता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको आप आसानी से देख सकते हो. लाइक इंटरनल ऑर्गन्स लाइक ओसोफागस स्टोमक एंड इंटेस्टाइन राइट. तो जो लाइट पाइप की जगह भी आप लाइट पाइप के तरह उसे यूज कर सकते हैं मेडिकल इक्विपमेंट के थ्रू, जिसे एंडोस्कोपी में भी आप देखे हुए होंगे उसका ऑप्टिकल फाइबर का यूज. ठीक है, एंड थर्ड यूज इज इट इज यूज्ड एज डेकोरेटिव
लैंप्स। मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ आपको, आप वहां से देख सकते हो कि डेकोरेटिव लैंप कैसे होता है, ठीक है। उसमें भी हम ऑप्टिकल फाइबर्स यूज करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, होप यू हैव अंडरस्टूड वेल द एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। हैव ए नाइस डे।